जितना आसानी से जी सकते हो जियो। कॉन्फिडेंस देखिए, एक सगाई करने वाला आ गया दूसरे प्रदेश का, अपना हरियाणा में, उसने देखा लड़का तुतला रहा था, तो लड़की वाला बोला आपने उसके बाप से लड़के वाले से, जी आपका लड़का तो तुतलाता है। इब अपना हरियाणा वाला का कॉन्फिडेंस देखो साहब, बोला जी आपका लड़का तो तुतलाता है। वो हरियाणा का बाप बोला छोरे का, बोला जी हमेशा नहीं तुतलाता, बोला और, बोला जब बोलता है तभी तुतलाता है। कमाल है ये जी हमारा कॉन्फिडेंस गजब है, इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस। अच्छा मैं जींद के पास का रहने वाला हूँ जी, और हाँ। बताऊंगा कॉन्फिडेंस की बात, ज्यादा ज्ञान से कुछ नहीं होता। जींद के पास का रहने वाला हूँ मैं, जींद में पहले रियासती राजा हुआ करते थे, पता है ना आपको, एक बार तो अच्छा राजा ही उल्टे सीधे काम करा करते। एक बार तो एक नया राजा बनया, उसने जैसे गद्दी पर बैठा छोड़ ब्लैक कैदियों की सबकी छोड़ दो, जेल के फाटक खोल दिए, खुद बैठ गया वहाँ सामने, कैदी निकले तो सलाम करते हो जाओ थे, राम राम करते हो जाओ थे, एक सबसे बाद में एकदम बुढ़ा जर्जर मेरे से ज़्यादा बुढ़ा निकल के आया, बड़ी बड़ी दाढ़ी वाला। तो राजा ने पूछ लिया, बोला बाबा तुम कब से हो कैद में? उसने बताया, बोला महाराज मैं तो आपके दादे परदादों के टाइम से हूँ। इतने सुनते हैं आंखें आंसू आ गए राजा के, न्यू बुला रहे इसने उल्टा बंद करो, यू तो हमारे पूर्वजों की निशानी है। जाओ बहुत खूब। अच्छा जी उस राजा ने बड़ा होकर क्या किया, वो बुद्धिजीवी बुलाए सारे ज्ञानी जो ज्योतिष शास्त्र पढ़ रहे थे, बड़ा बड़ा ज्ञान ग्रंथ पढ़ रखे थे, इकट्ठे करके न्यू बोला भविष्यवाणी करो, मैं पहले मरूंगा या रानी, जो भविष्यवाणी करेगा उसको 10,000 रुपये इनाम, और अगर भविष्यवाणी गलत हुई तो सजाए मौत। अच्छा ये बुद्धिजीवी डरते बहुत हैं, एक भी ज्ञानी बिल्कुल चुप होकर खड़ा रहा। एक ऐसे हरियाणा का पहुंच गया, वहां खड़ा था पहले लठ, न्यू बोला जी मैं भविष्यवाणी कर दूं, बोला कर दे, बोला रानी पहले मरेगी। अब भविष्यवाणी थी जी, कर दी 10,000 रुपये लेके चल पड़ा। तो वो जो ज्ञानी थे ना जिन्होंने बहुत ज्ञान प्राप्त कर रखा था, वो उसके साथ गए, बोले यार तूने भविष्यवाणी कैसे कर दी? न्यू बोला कर दी के, यार रानी पहले मर गई तो मेरी भविष्यवाणी सच, अरे यू राजा पहले मर गया तो यार रांड मेरा बिगाड़ के लेगी। ये कॉन्फिडेंस था जी, ये होता है कॉन्फिडेंस। तो इससे काम लो, काम का बुद्धिजीवी बने फिर तेरे को जरूरत नहीं बुद्धिजीवी। मैं तो ये कहा करता हूं कि दुखी आदमी को ठेस मत पहुंचाओ। नहीं मैसेज तो अगली लाइन है या नहीं है कि दुखी आदमी को ठेस मत पहुंचाओ, उस साले को ठेके पर पहुंचाओ। अपना काम तो उसने जो है ना जी ठेके पर पहुंचाओ। और जब मैंने ये कहा तो राजेश जी बोले, बोले यूसुफ जी दारू पीने किसी कोई समस्या का हल होता है? मैं कहा भाई दूध पीने कौन सी समस्या का हल है? मानो तो मौज है वरना समस्या तो रोज है। वाह क्या कहने, वाह। मानो तो मौज है वरना समस्या तो रोज है, हर घड़ी है आपके चारों तरफ खड़ी, हर पल है और हर समस्या का हल है, शर्त यह है कि वो समस्या दूसरे की होनी चाहिए, अपनी का नहीं। जाओ बहुत खूब सही है, क्योंकि समस्याओं का जिंदगी में आना पार्ट ऑफ लाइफ है।
समस्याओं का जिंदगी में आना पार्ट ऑफ लाइफ है, और समस्याओं से हंसकर गुजर जाना ये आर्ट ऑफ लाइफ है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। ये आर्ट ऑफ लाइफ सीखो, और ये तभी सीख सकते हो जब बुद्धि कम हो। ज्यादा बुद्धि नहीं सीख पाओगे, वो तो मेरे उल्टे काम करवाओगी। तो आनंद मौज मस्ती लेना है तो ये इस तरह से आप आनंद मौज मस्ती ले सकते हो सर, कोई जरूरत नहीं है ज्यादा सुनने की। अच्छा, यहाँ जितने नौजवान बैठे हुए हैं ना जी, नौजवानों से मेरा मतलब कुंवारों से है, क्योंकि शादी शुदा आदमी तो नौजवान क्या जवान कहलाने लायक भी नहीं रहता। उनसे मेरी ये सलाह है, निवेदन है कि जो कुछ बदलना बदल लो। राजनीति बदलनी है, अर्थशास्त्र बदलने हैं, कुछ भी बदलना है, देश का समाज बदलना है, अब बदल लो। शादी के बाद बेटे टीवी का चैनल भी नहीं बदल पाऊंगे। मैं सही कह रहा हूं जी, मैं अपने घर के बताऊं, आज ये लुगाई के करूंगा बाबियान देखेंगे। सारे दिन वो बाबे बैठे रहे संग्रे, बताते रहे नई नई बात। एक बता रहा था, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। इस शिक्षा देने के भी अगले ने 2.5 लाख रुपए लिए थे। ये न सुनती रहे हैं। आज सुबह से वो मेरे वाले घरवाली लग रही थी, मैंने खबर सुननी थी, मैं बोला मां चैनल बदल दे, वह बोली नहीं बदलूंगी। मैंने भी जोर तक कह दिया मैं देख लूंगा, उसने भी आँख कर दी, निम्बल किए देख लेगा, मैं कहा यू चैनल देख लूंगा जो तू देख लिया। बहुत अच्छे, जिंदाबाद। तो वही देखना पड़ेगा जो वो देख रही है। बात को ये इनका के बीमारी है, और भी कोई नेता जी आए के कोई रद्दर क्यों रहता रहे, टिकते क्यों नहीं, टिक जाओ भाई, टिक जाओ यार। वो एक मारा हरियाणा में, उनकी बात बताऊं ये के इनके। वो एक बुड्ढे से पूछ लिया, बोला आपका लड़का क्या करता है, तो बोला जी डॉक्टर है। बोला बहुत से बातचीत करने से रिश्ते तो नहीं लगता वो डॉक्टर है। न्यू जी लगता तो मेरे के भी कोई नहीं। फिर बोला तू डॉक्टर क्यों बतावे है, बोला जब वो कहीं से आवे है या कहीं जावे है, मैं उसने न्यू पूछ लूं बेटा कहाँ जा रहा है, तो न्यू कहेगा बाबू तेरे के बीमारी है। तो इनके के बीमारी से न्यू ने सुन रहा है, जब से आए तब से ये घूमे रहे हैं। बहुत अच्छे रही ना, घर ले जाइयो भाई, इनका घर जाइए 18 के 18 के, अरे कम से कम भी 1000 फोटो खींचो इनकी। एक बार ताली पीटो, ताली पीटो। अच्छा जी, इतने मेरा पोता आ गया, उसने मैच देखना था, तो उसने मेरी तरफ इशारा किया, दादा बोला रिमोट। मैंने उसकी दादी की तरफ इशारा कर दिया, पोता ने बोला दादा मैंने तेरा रिमोट नहीं मांगा था। मैं टीवी का रिमोट मांग रहा हूँ, मैं बेटा उसी के पास है। ये वास्तविकता है जी। क्या बात है, अभी त्रिपुरा का इलेक्शन हुआ था, ये इलेक्शन होता ना, तो मैं वो त्रिपुरा का इलेक्शन की वो समाचार सुन रहा था, इतना मैं आया धमकी, न्यू लिखे कर रहा है, मगा ये इलेक्शन त्रिपुरा का देख रहा हूँ, इसका रिजल्ट वगैरह। न्यू बोला त्रिपुरा का देखा है, मगा नहीं देखा। बोला जान की सलाह है, मना बोला तेरे रिश्तेदार इलेक्शन लड़ रहे वहाँ, मना न्यू बोले पकड़ा फिर रिमोट और बाहर जाके बैठे बोला जाके। तो यू हाल हो जाएगा बाद में जी, क्योंकि बेटा पत्नी जो है वो पेपर वेट जैसी होती है। वाह, पेपर वेट देखा है, देखा है कि पेपर वेट है? वो कागज न फड़फड़ान तो देगा, उड़न नहीं देगा।
जिंदाबाद जावा। शादी के बाद वो पेपर वेट फड़फड़ाते रहोगे, उड़ी पाओगे, जो उड़ान भरनी है वो ही भर लो, बाद में कोई, क्योंकि अभी ये 14 फरवरी को एक त्यौहार आता है ना, 14 फरवरी को एक त्यौहार आता है, मालूम होगा आपको। हाँ, वो एक ने मेरे से पूछ लिया बेचारे ने, बोला ये यूसुफ जी, ये 14 तारीख को फरवरी को अपने कौन सा त्यौहार होता है? मैं बेटा तू नहीं बता, शादी शुदा है कुआरा है? बोला जी शादी शुदा सू। मैं बेटा तेरे लिए तो दुर्गा पूजा का त्यौहार है।